हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं बी बोल्ड बातें। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी समय हो गया हमको वीडियो बनाते बनाते, लगभग 1 या 2 मंथ तो हो ही गए होंगे। तो काफ़ी समय से हम कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाए थे कि हाँ आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं उसका जवाब दें, उस क्वेश्चन को पढ़ के उसका जवाब दें। तो आज हम यही सोच रहे हैं कि आज संडे भी है तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हों स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज़ के, तो वो हम उठाएंगे और उनका जवाब देंगे। तो आप लोग बताना या जो भी क्वेश्चन हो ना, तो संडे को हम यही सोच रहे हैं कि संडे को जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा उसी को पढ़ के आप लोगों को आंसर देंगे, ये सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। बहुत उठपटांग क्वेश्चन भी करते हो आप लोग, तो इससे पता चलेगा कि आप लोगों के माइंड में क्या क्या चलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हम वीडियो बनाए थे कि सेक्स की इच्छा बहुत ज़्यादा किसको होती है, तो इस पे एक दो कमेंट आए हैं, तो उसको देख लेते हैं पहले क्या कमेंट है। तो परमिंदर पॉल जो है वो लिखे हैं, औरत चाहे कितनी भी मर्द के बराबर हो जाए मगर मांगेगी तो मर्द का, है ना। तो इस टाइप की मैसेज करने का कोई मतलब नहीं है यार, हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। एक नॉलेज नॉलेज के बेस पे आप इसको देख सकते हैं। कोई हंसी मजाक का टॉपिक तो है नहीं। आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो मत देखा करो, आप स्किप कर सकते हो, है ना। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग इतना मतलब फनी टाइप में लेते हो या फिर पता नहीं क्या सोचते हो यार। तो ये है पहला क्वेश्चन। हंसी भी आता है यार क्वेश्चन देख के। भोला शर्मा जी लिखे हैं, गुड गुड वेरी गुड, थैंक यू। तो ये कल जो हम वीडियो डाले थे उसमें का है, और एक दिन और पहले जो डाले थे सेक्स फैंटेसी जो होती है उस पर कुछ कमेंट थे, उसको देखते हैं। आप सवाल का नहीं देती हैं मैम, शायद आपको नहीं पता, मतलब सवाल का जवाब नहीं देते हैं। नहीं, हम बस वीडियो बनाते हैं, उस पर सर्च करते हैं कि क्या चीज़ पे वीडियो बनाना है और उसको पोस्ट करते हैं। तो हम बाई चांस ही कमेंट पे हम कोई भी आंसर देते हैं या रिप्लाई करते हैं। हाँ, लाइक कर देते हैं, आप लोग जो कमेंट करते हो अच्छा कमेंट रहा तो लाइक कर देते हैं और थैंक यू का मैसेज चला जाता होगा। और जो टॉपिक रहता है उसको हम सर्च करके उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं बगैर आंसर दिए हुए। तो आई होप आप लोग समझदार होंगे। भोला शर्मा जी फिर लिखे हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। भोला जी का ही मैसेज इस पर है काफ़ी सारा। और देखते हैं आगे 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 का। दो दो दिन पहले जब हम वीडियो बनाए थे, एक लिंक की जांच कैसे करें, इस पे कुछ मैसेज हैं, इसको देखते हैं। योर इन्फॉर्मेशन इज रियली इम्पोर्टेंट, थैंक यू। कविता मैडम आपका वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, सभी वीडियो में स्केल से नापने लिंग को नापने की बात बोला जाता है, लेकिन पर आपके आपका ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने से मुझे जैसे तैसे लिंक का सही साइज पता नहीं चल जाएगा। हाँ, तो ये स्केल से कैसे नाप सकते हो यार, वो जो आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो हल्का सा मुड़ा हुआ होता है ना, तो वो ये स्केल से आपका जो रियल साइज है उस चीज़ को तो आप पता नहीं लगा सकते ना। तो जैसा हम बताएं अगर वैसा आप साइज आपको नापना है तो वैसे आप पता लगा सकते हो, वैसे आपका जो सही साइज होगा वो आपको पता चलेगा ना, तो ऐसे कर सकते हो। अंसारी जी काफ़ी दिन से लिख रहे हैं कि मैम कुछ पूछना है, कहाँ पे पूछ सकते हैं? तो सर आप यहीं पे हमको जो पूछना है यहीं पे पूछ सकते हो, या फिर हम अपने आईडी पे इंस्टाग्राम का या फिर जो ईमेल आईडी है वो हम उस पर छोड़ देंगे अबाउट में, तो आप वहाँ से ले सकते हो, फिर उस पर क्वेश्चन कर लेना। या फिर नॉर्मली क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, कुछ भी समस्या हो आपको सेक्स रिलेटेड या फिर आपके मैरिज लाइफ से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई उस टाइप का नहीं है कि हाँ हम यहाँ पे आपका नाम लेके पुकारेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, बेझिझक। अगला क्वेश्चन किए हैं कमलेश जी, लिखते हैं कि आपसे वॉइस कॉल पर कंसल्ट कर सकते हैं क्या, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। तो अभी तो हमारे पास ये सुविधा नहीं है कि हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दें और आप वॉइस कॉल पे आप हमसे कंसल्ट करें किसी भी प्रॉब्लम को या कुछ भी। देखेंगे आने वाले समय में हम ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे कि आप हमारे से
व्हाट्सएप पे कॉल कर सको, ये सुविधा जरूर देंगे हम। लेकिन ये सुविधा जो होगी थोड़ा पैड होगी, तो आप पैड करके आप हमसे कंसल्ट कर सकोगे, तो ये सोचेंगे हम। लेकिन अभी नहीं है हमारे पास कि आप हमसे वॉइस कॉल पे बात कर सकते हो। हम इंस्टाग्राम की आईडी या फिर ईमेल आईडी हम सेंड करेंगे, उस पे अबाउट पे डाल देंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हो, पूछ सकते हो, या कुछ भी नॉर्मल अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आप यहीं पे पूछ सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ज़्यादा करने से फैलता है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ज़्यादा कर रहे हो तो फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसी सिचुएशन होता है जहाँ पे जो प्राइवेट पार्ट है लड़की का वो फैल जाता है, बट आप ज़्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है, मैम आप डेटोल्स यूज़ करती हो? तो डेटोल हर कोई यूज़ करता है यार, डेटोल अच्छा है ना आपके हाइजीन मेंटेन करने के लिए। आप कपड़े भी वॉश कर रहे हो तो लास्ट में जब आप सादे पानी में वॉश करो तो वहाँ दो चार बूंद अगर डेटोल का डालते हो तो वो बहुत अच्छा रहता है, तो आप डेटोल का यूज़ कर सकते। तो ये थे कुछ इस दो चार वीडियोस में हम जो क्वेश्चन देखे, जो सवाल था उसका जवाब दिए आप लोगों के सामने। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कल है मंडे, तो मंडे से फिर संडे तक, सैटरडे तक जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। उसके नीचे जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। तो हम अगले संडे फिर आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो उठाएंगे और उसका जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, और वीडियो तो अच्छा लगा होगा क्योंकि आप लोगों का जो क्वेश्चन था वही हम यहाँ पे केवल रिपीट किए हैं और जो आंसर था वो बताए हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, आईडी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अगले हफ्ते, मिलते हैं इन क्वेश्चनों के साथ, कुछ और क्वेश्चनों के साथ। ओके बाय।